हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग कुछ एक अच्छी स्नैकिंग की रेसिपी देखेंगे। सो टुडे वी आर मेकिंग बर्न्ट गार्लिक फ्राइड राइस। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्राइड राइस क्योंकि इसमें गार्लिक का क्वांटिटी ज़्यादा है एंड इट्स ऑल्सो चारकोल, थोड़ा सा बर्न्ट इफेक्ट है। तो लेट्स मेक इट। और ये ऑथेंटिक चाइनीज रेसिपी तो नहीं है, बट ये हमारा जैसे इंडो चाइनीज होता है वैसी रेसिपी है। तो सबसे पहले हम लोग पैन में थोड़ा तेल ले लेंगे। और इसमें आप जो वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जितना डालेंगे उतना और ही अच्छा होगा। उसके बाद देखिए, मैंने गार्लिक बहुत सारा लिया, ये देखिए चॉप्ड गार्लिक लिया है मैंने। और अगर इसको फ्लेवरफुल बनाना है तो गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम लोग। अब इसको गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं होता ये, तब तक हमको उसको स्टर करना है। देखिए इट ऑलरेडी स्टार्टेड टू सिजल और इसका फ्रेग्रेंस बहुत एकदम अच्छा आ रहा है, एरोमेटिक आ रहा है। जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो तब तक इसको करेंगे, क्योंकि हमें बर्न्ट चाहिए थोड़ा सा गार्लिक, एज द नेम सजेस्ट। देखिए थोड़ा गोल्डन गोल्डन स्टार्ट हो गया कलर इसका चेंज करने का। यू कैन सी, ये देखिए मैंने बहुत ही कम सब्जियां ली है यहाँ पे। देखिए गोल्डन ब्राउन होने स्टार्ट हो गया ये। एज यू कैन सी, मैंने गैस का फ्लेम अभी थोड़ा मीडियम कर लिया है सो दैट और एकदम ना हो, परफेक्ट हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन और इसे भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, गार्लिक का इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा आ रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। इसके साथ मेरे पास चॉप ग्रीन चिलीज है और देखिए ग्रीन चिलीज को मैंने स्लिट करके काटा है एंड आई एम एडिंग टू ग्रीन चिलीज चॉप एंड यू कैन एड इट मोर। और लेकिन देखिए जब इंडो चाइनीज हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं, बी इट मंचूरियन या फिर एनी थिंग, हम लोग जो है जो ग्रीन चिलीज होते हैं उसको इसी तरीके से काटते हैं। देखिए पूरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया हमारा गार्लिक और उसके साथ अनियन भी ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। नाउ वी आर एडिंग कैप्सिकम। आई एम टेकिंग ग्रीन कैप्सिकम, यू कैन ऑल्सो टेक बेल पेपर, रेड बेल पेपर या फिर येल्लो ले सकते हो। और उसके साथ ही मैंने से बोला और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, जैसे कि मैंने आज कैरेट नहीं लिया लेकिन आप कैरेट भी डाल सकते हो। उसके भी ऐसे बाइट साइज जितना मैंने कैप्सिकम काटा है उसी तरीके से काट के थोड़ा सा कैन एड इट। आई हैव सम फ्रेश सेलरी विद मी, तो वो डालेंगे। सेलरी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और अगर आपके पास सेलरी नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इट, जैसे सेलरी का इंडियनाइज वर्जन आपको घर पे दिखाना है तो आप क्या करते हैं, कोरिएंडर के जो ये होता है उसका कोरिएंडर स्टेम यूज कर सकते हो आप, और उसको अच्छे से चॉप करके क्लीन करके और उसका थोड़ा सा टेस्ट और टेक्सचर हमारे सेलरी की तरह ही होती है, तो यू कैन यूज दैट एज वेल। राजेश जी आपको हेलो और गुड इवनिंग कह रहे हैं। हेलो राजेश जी, गुड इवनिंग। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन अनियन डाल दी हूँ, ग्रीन अनियन डाल दी एंड ये भी एक अच्छा मस्त है इस डिश में। ग्रीन अनियन का बहुत अच्छा अलग फ्लेवर आता है गार्लिक के साथ इंक्लूड होके। परफेक्ट। आई ऐड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैंने थोड़ा सा लिया है। यू कैन ऑल्सो यूज वाइट पेपर, बट वाइट पेपर बहुत लोगों को सूट नहीं करता है और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो यू कैन स्किप दैट एंड ऐड ब्लैक पेपर। जैसे मैंने आज ब्लैक पेपर ही डाला है।
adding salt. देखिए अब वेजी इतने अच्छे से कुक भी हो गई है एंड नाउ वी गोइंग टू ऐड सम सॉसेस. उसके पहले आई विल ऐड थोड़ा सा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस थोड़ा सा ऐड करती हूँ मैं. I have vinegar with me, approximately 2 tbs. Wow. अब पूरा फ्रेग्रेंस आ रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में. तो एशियन रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे ऐसे चाइनीज का जो फ्लेवर होता है उसी तरीके से. अरुणा जी आपको हाय कह रही है एंड समीक्षा जी सिंह. मैंने जब भी रेसिपी बताई थी उनके लिए पोस्टर के लिए तब मुझे ख्याल नहीं था फास्ट का, नहीं तो आज हम उसी का कुछ बना लेते हैं. बट नेवर माइंड, यू कैन ईट दिस टुमॉरो एज वेल. एकदम फ्रेश और विंटर्स में बहुत अच्छा लगता ही है. सो देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने एक बोल में चावल को बॉईल करके रखा है एंड यू कैन सी मैंने एक कप चावल लिया है और उसको उबाल लिया है बस. और ये मैंने थोड़ा सा बासमती टाइप लॉन्ग ग्रेन राइस यूज़ किया है सो दैट वो फ्राइड राइस में खिला खिला अच्छा लगेगा. सो आई विल ऐड इट. बर्न्ड गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें. नॉर्मल फ्राइड राइस से थोड़ा डिफरेंट है ये, ज़्यादा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा और इंडियनाइज ज़्यादा है. नाउ व्हाट आई विल ऐड इट, मेरे पास ये रेड चिली सॉस है तो वो मैं थोड़ा सा डालूंगी. गैस मैंने मीडियम पे ही रखा है. अब ये हो गया, एक और स्टेप आपको मैं दिखाती हूँ. सविता जी इज सेइंग नाइस एंड शी सेइंग कैन यू प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर. सॉरी सविता जी, थोड़ा आवाज़ अगर कम आ रहा होगा तो. आई एम नॉट वेयरिंग माई माइक टूडे. सो देखिए ये मैं हटा देती हूँ और एक और स्टेप हमको करनी है इसकी पूरी, दैट इज आवर स्मॉल कढ़ाई. और इसमें हम लोग जैसे बिरयानी के ऊपर बरिस्ता बनता है, बरिस्ता इज बेसिकली फ्राइड अनियंस जो बिरयानी के ऊपर डालते हैं, उसी तरीके से फ्राइड गार्लिक हम लोग डालेंगे हमारे इसके ऊपर. बटर डालूंगी.
जल्दी आ जाएगा। थोड़े गार्लिक है हमारे पास, उसके साथ हम लोग थोड़े से चॉप कर देंगे। ऊपर से गार्लिक जो होंगे क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे लगेंगे, इसलिए हम चॉपिंग, देखिए फ्यू मोर गार्लिक क्लोव्स। एंड इफ एनीबडी जॉइंड लेट आई कैन रिपीट इट वंस। देखिए तेल गरम हो चुका है। अनाता जी हेलो, एंड समीक्षा जी सेम कि कैन यू मेक दिस रेसिपी ट्राई। गार्लिक राइस में अगर आपको करी भी चाहिए तो आप उसको वो भी कर सकते हो, थोड़ा सॉस ऐड ज़्यादा करके। देखिए ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। वो कह रही कि राइस जनरली मॉइस्चरस होता है तो वो थोड़ा चिपक जाता है, तो ड्राई ही करने के लिए कुछ टिप्स अगर आप बता पाएंगे तो। यस समीक्षा जी, उसमें आप एक तो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस वगैरह यूज़ कीजिए ताकि वो वैसे ही चिपके ना, और पानी बहुत ज़्यादा मत डालिए जब आप उसको उबाल रहे हैं, बहुत कम पानी डालिए, इतना कि थोड़ा सा वो उबल जाए। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो उसे स्टिकी थोड़ा सा राइस हो जाता है उसी तरीके से, तो हमें वो नहीं चाहिए। टू अवॉइड दैट हम लोग थोड़ा सा कम पानी डालेंगे। एज यू कैन सी देखिए गार्लिक के क्लोव्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, और ये हम ऊपर से डालेंगे। और विंटर्स में ऐसी रेसिपीज खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्पाइसी थोड़ी सी और होलसम एंड फुलफिलिंग। एंड ऑफ कोर्स यू कैन चेंज एंड ऐड द वेजिटेबल्स दैट यू लाइक। आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, स्प्रिंग अनियन तो मैंने डाला ही है वो मस्ट है, कैप्सिकम डाला है, यू कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट मशरूम्स इफ यू वॉन्ट। परफेक्ट। अब इसके ऊपर हम लोग जो हमारे ये देखिए जो हमारे फ्राइड गार्लिक है वो एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए, वो डालेंगे। टेस्टी फ्राइड राइस से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसमें बॉइल्ड गार्लिक का फ्लेवर दिया है, एंड ऑल्सो यू कैन डू वेरिएशन इन इट, जैसे थोड़ा मशरूम कभी आपको पसंद है यू कैन ऐड मशरूम एंड बाकी भी वेजिटेबल। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखनी है, तो मैं उसके लिए जरूर ट्राई करूँगी। तो आई विल सी यू गाइस वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर। Puruma ji is saying looking delicious and Arjuna ji is complimenting. Wow, color combination is good. Thank you so much, Arjuna ji. Thank you so much, Puruma ji. And aap zarur bataiye ki aapko aur kaun si type ki recipes dekhni hai, Indian dekhni hai ya fir koi international cuisine dekhna hai. So please let me know. I'll see you guys in the next.